मेरे सभी जातकों के लिए आज है कर्क राशि की जानकारी का दिन। मेरे प्यारे मित्रों, फरवरी 2019 में कर्क राशि किस प्रकार से रहेगी, आइए उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा जय माता दी। प्यारे मित्रों, सितारों की चाल कहती है कि आप लोगों को जो नौकरी कर रहे हैं उनकी जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। उनकी जॉब चेंज करने का समय आ गया है और जॉब को चेंज कर सकते हैं। जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उन्हें संतोष नहीं होगा और आने वाले समय में वो अपनी जॉब को चेंज करेंगे। प्यारे मित्रों, इस दौरान आपको लंबी और छोटी दूरी की यात्रा करनी भी पड़ सकती है जिसके लिए आप तैयार रहिए। महीने के दूसरे पड़ाव में आपको लगातार कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर आप अच्छा माहौल बनाकर रखेंगे तथा सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस सप्ताह, इस माह आपको वैवाहिक जीवन का आनंद भी मिल सकता है। जिनको विवाह करने की चाह है वे इस माह प्रयास कर सकते हैं और विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। वहीं आर्थिक मोर्चे पर यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। वे जातक जो बिजनेस कर रहे हैं, यदि वे इस अवधि में कोई नया प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। परिवार के बड़े लोग और बच्चों के लिए यह समय अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, कर्क राशि के बारे में अब जान लेते हैं विस्तार से। तो विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं आपके कैरियर के बारे में। तो बिजनेस में लगे लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, निवेश से फायदा हो सकता है। तो ऐसी सलाह यहाँ पर दी जाती है कि ग्रह चाल और ग्रह दृष्टि के अनुसार आपको बिजनेस में अत्यधिक लाभ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और आप निवेश में फायदा उठा सकते हैं, इसलिए निवेश को करें। पर एक बात का ध्यान अवश्य रखें, निवेश जोखिम भरा भी हो सकता है, इसलिए आपको हर निवेश को करने से पहले एक बार पुनः विचार अवश्य कर लें कि आपका निवेश सही दिशा में हो रहा है या नहीं। वैसे तो ग्रह बहुत अच्छे हैं इस समय आपके, तो आपको ऐसी बुद्धि जरूर आएगी कि आपका कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ फ़ायदा हो सकता है, इसके विषय में आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। परंतु कहीं दिक्कत हो तो आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने घर के बुज़ुर्ग से सलाह अवश्य लें, तब ही निवेश करें। प्यारे मित्रों, बिजनेस की समस्याओं को समाप्त होते हुए भी आप देखेंगे। यदि किसी प्रकार की पिछले कई समय से समस्याएं आ रही होंगी तो इस समय आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अवश्य आगे बढ़िए, जिससे कि आपको जॉब मिलने में आसानी हो सके। मेरे प्यारे मित्रों, जहां तक नौकरी पेशा वाले लोगों की बात है तो कुछ समय उनका बहुत अच्छा रहने वाला है और आने वाले समय में उनके हालात पहले से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। उनके सीनियर्स, उनके बॉस उनसे प्रसन्न रहेंगे और उनको यहाँ पर काफ़ी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक नज़रिए के मसले से बात करें तो करियर में आपके लिए इस समय बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। फरवरी 2019 में करियर आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से होता हुआ आपके सामने आएगा। आपने जो भी सोचा हुआ अपने करियर से वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपने शुरुआती दौर में कुछ एक चीज़ों पर ध्यान रखना होगा और उसके बाद उस पर आपने कार्यान्वित करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव्स की। तो लव के बारे में जान लेते हैं। तो इस महीने आपके प्रेम संबंधों को नई दिशा मिल सकती है, नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। इस समय पर आप नए लोगों से मिल भी सकते हैं तथा उनके प्रति आप आकर्षित भी हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई आपके प्रति भी आकर्षित हो सकता है, इसलिए यह समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ के लिए समय उत्तम माना जाएगा फरवरी 2019 में। परंतु दोस्तों, हर एक चीज़ अच्छी होने के साथ साथ कुछ समय बाद वही चीज़ बुरी भी लगने लगती है। तो दोस्तों, ऐसे रिश्तों को आप बनाएं कि उनमें हमेशा ताजगी बनी रहे। विश्वास हमेशा कीजिए,
जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपका विश्वास कम हुआ तो आपकी लव में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या करना चाहिए। तो आपको दोस्तों निवेश या पैसे से जुड़े कुछ रोचक मौके मिलते हुए इस महीने आपको दिखाई देंगे। नए विचार भी आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे। योजनाएं बन के और सफल करने के लिए भी ये दिन आपके लिए अच्छा रहने वाले हैं। इन दिनों में आपको दोस्तों और भाइयों से मदद भी मिलेगी, इसलिए पूरा सहयोग प्राप्त करिए और उनका सही दिशा में आप उपयोग कीजिए। दोस्तों के सहायता से आप ऊंचाइयों पर जाएंगे और भाइयों की सहायता से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है, जिससे कि आपके सभी प्रकार के कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको ऐसे समय पर अपने भाइयों और दोस्तों से मित्रता बनाए रखनी चाहिए और उनसे संबंधित सभी प्रकार की मदद को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको ऐसे पुराने दोस्त भी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे और रुके हुए कामों को पूरा करवा देंगे। कुछ सोर्सेस होते हैं दोस्तों, जो आपके दोस्त आपके सोर्सेस को पूरा कराएंगे और किसी भी प्रकार की समस्याओं में समाधान करने में वे आपकी मदद अवश्य करते हुए दिखाई देंगे। किसी तरह का दबाव महसूस कर सकते हैं तो आप उस समय पर थोड़ा सा सौंफ खा लीजिए, जिससे कि आपका दबाव कम हो जाएगा। पार्टनर से संबंध भी मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा विश्वास और प्यार अवश्य दिखाना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कोई बात असंभव और अव्यवहारिक लग सकती है तो आप उस समय पर डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे समय पर अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा और असंभव और अव्यवहारिक लग रही चीज़ को आपने व्यवहारिक और संभव मानकर ही पूरा करना चाहिए, जिससे कि आपकी कोई भी समस्या ऐसी ना हो जाए जो आपको लग रही हो और वो वास्तव में ऐसी हो ही ना, जिसे आप सॉल्व ना कर सकते हो। घर और ऑफिस के जिम्मेदारियों के संतुलन बैठाने में आपको समस्याओं का समाधान निकालना होगा। तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि घर या ऑफिस के लिए अलग अलग समय आप ना अलॉट करें और उसके वजह से आपके बीच में कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा और आप उन समस्याओं के चारों तरफ घिरते हुए चले जाएंगे। इसलिए आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए कि जो घर की जिम्मेदारी है उसको अवश्य संभालिए, साथ ही साथ अपने काम पर भी ध्यान रखें। दोस्तों, थोड़ी झुंझलाट भी मन में रहेगी, क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है तो आदमी थकता भी है और उसको झुंझलाट अवश्य प्राप्त होती है। इस झुंझलाट को दूर करने के लिए आपने थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करें या सिर्फ ओम भी बोल सकते हैं। इससे आपकी थकान और झुंझलाट दोनों दूर हो जाएगी। परिवार या माहौल में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, परंतु आप सोच समझ कर बोलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का इस तरीके की सामना नहीं करनी पड़ेगी। कहीं भी बहुत ज़्यादा समस्या दिखाई दे रही हो तो दोस्तों, सौंफ खाकर आप अपने मन को शांत कर लीजिए और हो सके संभव तो सौंफ खाकर ही इस महीने घर से बाहर निकलें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो इस महीने आपकी हेल्थ कुछ एसिडिटी से परेशानी बढ़ सकती है। ज़्यादा मसालेदार खाने से आपको बचना चाहिए। यदि आप ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कुछ पेट से संबंधित रोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ गैस और एसिडिटी इत्यादि एंजाइटी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपके इस चैनल पर बहुत सारी और जानकारियां मौजूद हैं। दोस्तों, कई सारे लोगों के एक ही जैसी परेशानियां हैं, जैसे उनके काम नहीं होते, चलते काम रुक जाते हैं, एकदम से बिजनेस में घाटा हो जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने राहु के कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को देखेंगे और उनसे आप समाधान पाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी जातकों का जीवन सफल और सुंदर सुखद हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूँ आपका दोस्त मनीष। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।